तारा मजबा लगता है। स्वागत है इसकी दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जो नए चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आप मेरे को देख के समझ ही गए मैं कहाँ आई हूँ। धूप बहुत आ रही है तो इधर मुझ जाते हैं। हाँ, तो मैं आई हूँ प्रगति मैदान। ट्रेड फेयर लगा हुआ है बहुत दिनों से, लग जाता है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। आज जो डेट है 23 नवंबर है, मुझे अब टाइम मिला है, लेकिन भीड़ देख रोज के रोज, मतलब यहाँ पे ना वीडियोस देख देख के मेरा इतना मन करा कि मैंने सोचा चलो आज आपको दिखाते हैं क्या हुए। चले चलते हैं अंदर। और टिकट हमने ले ली थी रात में। टिकट का है ये रही ऑनलाइन टिकट हमारी, तो चले चलते हैं। चलो अच्छा है, टिकट हमने ले ली थी पहले। हाय करो, चल टिकट दिखा। नहीं 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 नहीं, दिखा दिया है। ले रहे हैं फोर्थ नंबर गेट से एंट्री। लेडीज विद बैगेज, जेंट्स इधर। अच्छा यहाँ से लें। ओके ओके, दे आर डिफरेंट साइड फॉर मेंस एंड वुमेन। तो ये वुमेन की साइड है। हाय, आप मुझसे कितने दूर हो गए? कितने दूर हो गए? हर सच में तुम्हें पर्स में छुपा लेती। चलना बहुत है इसलिए स्पोर्ट्स शूज वगैरह या कुछ कंफर्टेबल स्लीपर पहनकर ही आइएगा। मैं आपको थोड़ा बोर नहीं करूँगी कि ये देखें यहाँ पे वो देखें। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने, मैं करने वाली हूँ इंटरव्यू। जितने भी जेंट्स जाएंगे ना उनसे पूछूंगी वो अपनी वाइफ्स को लेकर आ रहे हैं तो वो खुश हैं या नहीं है खुश। चले, कितने गेट हैं यहाँ पर? ये मेट्रो लाइन होगी इधर, मेट्रो। तो इधर लेडीज की चेकिंग होगी। मैं अपना बैग चेक करा के आगे से निकलती हूँ। अब यहाँ पे बैग चेक करा। सो आप देख सकते हो, और टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। हम उठे हुए भी सुबह 7 बजे के हैं। देखना मैं तैयारी हूँ काफी बड़ा। ये हॉल नंबर 5 है, हम 5 में चले। ये है जम्मू कश्मीर, इसमें लिखा हुआ तो है केंद्र सरकार मंत्रालय विभाग ने, इसमें नहीं जाना। इसमें क्या करेंगे? ये इंटरनेशनल है क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय। तो गाइस हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि इंटरनेशनल मिल जाए हमें। देखो किड्स हैं, थाईलैंड वाले, मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस ईरान सब हैं, संयुक्त अरब अमीरात। हॉल नंबर 4 है। चले चलते हैं। तो ये रहा, अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। आज डे कौन सा है? थर्सडे है, तो ज्यादा भीड़ नहीं है। चलो चलते हैं अंदर। एंट्री कहाँ से? इधर से, इधर से करें एंट्री, उधर से। अरे यार अच्छा आ गया, ले बन। चलो शॉपिंग करो थोड़े से। ये सारी कोरियन शॉप है, कोरियन मेकअप है। हाँ तो थाईलैंड, अच्छा थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं सारे। ये आ गई ज्वेलरी थाईलैंड।
बटरफ्लाई ले लो तो हाथों के लिए बटरफ्लाई है, वो हैंडीक्राफ्ट वैसी आइटम है। अच्छा ये वाला सेट है पूरा 1500 पॉलिश गारंटी, ये जितना ऐसे ये अच्छा दिस 500 टर्की के हैं और यहाँ पे ये फेमस लैम्स हैं। टर्की नहीं तुर्की है। तो प्राइस पूछना लैम का इसका। बहुत महंगा होगा ये तो पूछने में क्या जा रहा है। एक्सक्यूज मी प्राइस। व्हिच वन? दिस वन। 25,000। चलो तुर्की है। टर्की के उसमें लैम्प लैम्स है। ये पूरा ये ईरान का है। Dresses from Thailand at 1,000 rupees. Bangkok shopping. Have a look inside. ये वो इसमें वो है। अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल 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 ले लें आप फौरन ले लें। कितने पैसे दे लें मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे दुबई के सूट मिल रहे हैं तो यहाँ सारे दुबई के सूट हैं। बहुत अच्छा सामान मिल रहा है भाई। हाँ। यहाँ से वो लेते हैं काजू बादाम सब। पर अभी तो लिए थे हमने। नहीं नहीं अभी और इससे लेने मुझे स्पेशल। क्यों? अच्छा नाइस। बहुत तेज हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है। देखो आ जाओ अरे लेने तो अरे आओ 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 सर्दी आ रही है यार। हाँ हाँ चलो 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 सब पता है गाइस। देख लो इनको शर्म नहीं है। दो बच्चे के बाप हैं। बहुत महंगा है। वहाँ से हम कुछ खरीद ही नहीं सकते तुर्की से। जो यहाँ से खरीदने रहे वो तुर्की जाने की बात कर रहे हैं गाइस। तुम इधर से काजू खरीदो। तुम इधर से काजू खरीदो मैं इधर से खरीदो। देखो गाइस ना यहाँ से काजू खरीदो और तुम किधर से खरीदोगे? अरे अच्छे मिल रहे वहाँ पे। इसका प्राइस क्या है? चलो पट्टा है ना इन्होंने बताया 8,500। लेकिन मेरे हिसाब से भी पता है इतना महंगा नहीं है। महंगा नहीं है महंगा है ये यहाँ महंगा है। मतलब देखो ये लैंप लाइट की छोटी वाली है बड़ी 200 की है। इसमें कौन कौन सी स्मेल है? जैस्मिन है, लेमन ग्रास है, रोज है, मस्क है, लैवेंडर है, खुशबू है। जैस्मिन कितनी देर चलता है? 2-3 चम्मच ऑयल डालना है पानी के साथ। ये लड़की को देखते ही जा रहे हैं ये मान नहीं रहे बाज नहीं आ रहे। हमें लगता है दूसरे हॉल में जाना चाहिए भी। ए भी। ये अच्छा है जो भी आए पहले हाँ। इधर विजिट करें। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो चले गर्मी हो रही है। बढ़िया मौसम बेहतरीन मौसम दिल खुश मौसम गाइस इनकी बातों में ना लेडी तो इस वाले बिल्कुल रूम ये हॉल नंबर 4 में बताना वो सबसे अच्छा है। इम्पोर्टेड माल दिख रहा है। अच्छा इम्पोर्टेड माल दिख रहा है। अच्छा इम्पोर्टेड माल दिख रहा है। क्या बोला तूने? हाँ ये कलौंजी वाला है शायद। इसका प्राइस क्या है? 300 कितने ग्राम है? 400 ग्राम। वो ही लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंस है। तिल बुक्का नहीं कहते? हाँ तो वही होता है कोई वो। इसका मैं
का क्या प्राइस है? 100 रुपीज सेम बना पूरा। ये मैसूर पाक टेस्ट कराइएगा। ये मेरा फेवरेट हलवा। ले लो कोई नहीं, कर लीजिए। तो नहीं मैसूर पाक चाहिए? नहीं क्यों? थैंक यू। बनाना जो दिखा दो ना। नहीं वैसे टेस्ट नहीं है। अच्छा है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, और ये गलतियाँ लेडीज बिल्कुल ना करना। अपने हस्बैंड को बिल्कुल मार्केट में मत लाना, ये आपको लगा देंगे शॉपिंग में और खुद किसी और चीज़ में लग जाएंगे। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? हद हो गई। कहाँ जा रहे हो? गांधी जी मोदी जी सब आए हुए हैं। इस पे टच ना करना, डू नॉट टच। तो मैं क्यों टच करूँगी? मैं कभी गांधी जी को प्यार करने लगा। शट अप। हाँ मोदी जी के पास चलते हैं। ये गांधी यहाँ पे बैठ के ले ले। रुको तो अरे वीडियो छोड़ दो। रुको तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी बिहार पहुँच गए। आओ तुम्हारे गांव छोड़ दे तू, आओ तुम्हारे गांव छोड़ दे तू, आओ तुम्हारे गांव छोड़ दे तू। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारा गाँव? हाँ, सबका गाँव है। इधर देखो आदी। क्या कहते हैं? निकल चुके हैं गेट नंबर 4 से, हम जा रहे हैं गेट नंबर 10। तो भीड़ अब बढ़ती जा रही है, बहुत तगड़ी वाली भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली भीड़ हो चुकी है। हम आ चुके हैं फूड कोर्ट के अंदर। क्या खाना उत्तर प्रदेश राजस्थान क्या कहेंगे बताइए? भाई ये राजस्थान के देखें फेमस, ये राजस्थान का फूड दाल बाटी चूरमा खिलाएं आपको, ये लिट्टी चोखा बिहार का, जो भी आप खाना चाहें आप बनाएंगे तो हम खाएंगे। तो ये सारा यहाँ पे फूड कोर्ट है, खाने पीने का अच्छा खासी जगह दी गई है। मैंने चुरा लिया अपने हस्बैंड का गॉगल क्योंकि मुझे धूप बहुत लग रही थी, तो यहाँ के मतलब खुली नहीं रही थी। तो फिलहाल हम लोग ने काफ़ी हद तक कवर्स कर लिया और आपने देख भी लिया साथ में। अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 12 में और वहाँ पे हमारा कोई इंतज़ार भी कर रहा है, तो चलें आपको मिलाते हैं सबसे कि कौन इंतज़ार कर रहा है। घर से खाना भी ले आते हैं, तो अगर आप खाना लाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से बैठ के खा सकते हो, है ना। माशाल्लाह ये भी सही है चीज़। कैम भी है, अगर आप बॉटल लाएँ और रिफिल करनी हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। नहीं होंगे वो 12, ये उधर है, ये खाली 12 है। तो इधर सारी वो है, ये सब वो है कॉस्मेटिक। हाँ ये परफ्यूम और वो सब है, सारा कॉस्मेटिक का ये है। सुपर सेंस या एक्स देखेंगे ना, वो भी सब यहीं आएंगे। हाँ, अभी से देख लेंगे तो ये भी है वो रंडी टेबल कलेक्शन, ये वो जिसको ऑनलाइन देखा था। ये हमारा साइन बोर्ड है सुल्तान। हेलो, मैं फाइज का देख लिया, मैंने फाइज आ रही है बच्चे पापा और पापा। पता है एक अंकल बाहर दिखे मुझे बड़े स्मार्ट से, मुझे लगा आप है, पर आप इधर लड़का भी दिखा होगा बड़े स्मार्ट से। नहीं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह आया हुआ था मुझे लगा। तो पापा है मम्मी सब आए, हाय कर दो। सब बहुत प्यारे लग रहे हो, माशाल्लाह। शाहिद भाई हाय करो, बड़ी मुश्किल से मिले। अब होने वाला है धमाल, रुकने वाली ये पापा क्या है? आपने शॉपिंग कर भी ली? खाना ले आओ। ओ माय गॉड, हमें बताओ तो हम खाते नहीं, हमने खा लिया खूब सारा। गाइस ये आ चुकी है
शादी में तो जाना नहीं था शादी ये फंक्शन ही शादी से भी ज्यादा है क्या क्या ऐसा नहीं लग रहा है जन्नत में आके मर गए यहाँ से जन्नत की टिकट मिली वाइट है वहाँ पे यार वाइट का ही अपना क्लास है एक डेरा नहीं होता बकरों में जो पूरा वाइट बकरों का होता है शुरू में घुसते ही महंगे जहाँ होते सबसे ज्यादा मैम हाय मैम हाय ब्लॉग कैसी हैं आप एक फोटो ले सकते हैं आपके साथ जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए ले लीजिए मत घूमो खाना पापा के पास ये औरत ने अभी छोले भटूरे चाउमीन पाव भाजी ये बहुत तेज है ये क्या कर दिया अबे सब आने वाले नहीं नहीं मुंह साफ करके अरे भूख लग रही है अरे नहीं ऐसे हम खाया नहीं हम ऐसे ही आ गए बच्चों को स्कूल भेज के हम सुबह के आए हैं पता ना नाश्ता कराया यहां छोले भटूरे का तो खाना तो तुम्हारा फ्री है ना खा कर आई होगी हाँ। तुम खा कर आई होगी सॉरी आयशा तुम पे पूरा यकीन है आयशा जिस तरीके से पेट निकल रहा है खा रखा है तुमने अरे हाय हेलो फाइन थैंक यू ब्लैक ब्लैक अरे वाह उसे बड़ी मम्मी भी मिल गई है यहाँ पे बड़े पापा भी अरे नहीं तुम भी वाइट मैं भी वाइट किसने लिया हमने लास्ट डे के सब वाइट पहने किसने लिया ब्लैक एंड वाइट कितने फोर तो ब्लैक हो रहा है मैं भी थोड़ी सी ब्लैक हूँ मैं भी वाइट वाइट मैं वाइट हूँ मैं डिफरेंट हूँ मेरे जैसा साइड मेरे मेरे बटन नो फोटोज नो फोटोज आलू के गोभी के प्याज के भिंडी के पनीर टिक्का चाप सोयाबीन कबाब मशरूम कुछ भी बना सकते हैं चिकन खाते हैं चिकन बनाइए नमक भी नहीं डालना नहीं जी फ्राई करो तंदूर करो ग्रिल करो तवा करो कुछ भी नमक वगैरह सब इसमें ही है सब मिक्स है बहुत ज्यादा थकावट हो गई और अब हो चुका है खाने का टाइम पापा मैं ना पापा के साथ करूंगी प्रैंक गाइस मैं ना पापा के साथ करूंगी प्रैंक गाइस मैं ना पापा के साथ करूंगी प्रैंक अभी मजा आएगा ना भिड़ो बढ़िया वाला मैं पापा से कहूंगी आप ना एक रैंडम ऑडियंस बन के बताओ कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए देखते हैं पापा एक्टिंग कैसे करते हैं मैं उन्हें बता दूंगी देखो मैं उन्हें बताऊंगी एक्टिंग करनी है लेकिन उनको ये दिखाना मुझे कैमरे में मेरे गाइस को नहीं पता है कुछ भी समझ गए ना तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सुनो तो मेरी बात सुनो पापा सुनो इधर देखो मैं अपने गाइस के सामने आपको एक इंटरव्यू के तरीके से यूज करूंगी जैसे कि आप मेरे पापा नहीं है इंटरव्यू हो रहा है आपको बताना है कि आप यहाँ पे लेडीजों को लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए फायदा का सौदा या घाटे का सौदा ठीक है अब आपको मैं पीछे से आवाज लाऊंगी सर सर इंटरव्यू ठीक है बता दे परफेक्ट किसी से पूछते हैं यहाँ पे कैसा है आना एक्सक्यूज मी सर सर एक्सक्यूज मी वन इंटरव्यू सर वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग कर ये बताइए कि यहाँ पे कैसे लग रहा है पहले बताइए कैसी बात मैम बहुत अच्छा लग रहा है फेयर कैसी लगी बहुत अच्छी ट्रेडफेड लगाई है इस साल जो है बहुत अच्छा और रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ कि लोग पब्लिक अच्छी खासी आ रही है और सब लेडीज वगैरह भी अच्छी खासी आ रही है यहाँ पे तो अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा लगा मुझे अच्छा तो यहाँ पे मतलब साथ में आना चाहिए वाइफ्स के साथ बिल्कुल आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए अच्छा। एक साल में एक बार लगती है अच्छा। सारी लेडीज लोग इस चीज के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती अच्छा। है कि वो आए यहाँ पे अच्छा। और ये सारा सामान देखें और नई नई जगह से हर शहर से सामान आता है तो वो लोग भी आते हैं उन लोगों का भी इसमें भला ही है ये बताइए आपका अब तक कितना मीटर डाउन हो चुका मीटर की तो बात ऐसी है हम कहाँ किसके लिए रहे हैं ओहो। हम क्या करें आप किसके साथ कर आपकी मृत का है शरीक है ओ माय गॉड सर आपकी जोड़ी बहुत अच्छी कुछ नहीं है ओहो तो सर ने आप लोगों को बताया कि कितना अच्छा लगा तो आप लोग को बताना चाहेंगे आना चाहिए उन्हें अपने वाइफ को लेके फैमिली के साथ जरूर आप यहाँ पे आए एंजॉय करें घूमें पूरा टाइम दें और एक दिन छोड़ के एक दिन थैंक यू उससे मेरा क्या फायदा
मुझे क्या मिल रहा है, मुझे खाने की तैयारी हो चुकी है। खाना वाना खा चुके हैं और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, काफी हद तक सही जा रहा है और बहुत अच्छी फीट लगी है ना। बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी। फिर उसे दूसरी ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ हॉल नंबर 12 है और यहाँ कॉस्मेटिक्स आपको भरपूर मिलेगा, लाइक कि ट्रीटमेंट हो, फेशियल्स हो, क्रीम्स हो, फेस वॉश हो, मेकअप हो, सब सिर्फ इसके लिए ही है ये जगह। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कॉस्मेटिक लेने तो हॉल नंबर 12 में आए, शनाज हुसैन से मतलब अच्छी अच्छी कंपनी और दूसरी कंपनी से सब प्रमोट हो रही है यहाँ पर। ये हॉल नंबर 11 है, ये ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि यहाँ सिर्फ जेंट्स का सामान है। गाइस देखो, मैं जो है ना अपने खाना इस कुकर में बना रही हूँ। आजकल चल रहा है ना मोए मोए, क्या तुम्हें बरसात नहीं है? मोए मसाई नहीं नहीं पता नहीं क्या बताई नहीं रही क्या है उसके अंदर। अरे फराज कहाँ रह गया था बेटा, इसको दिखा, इसने नहीं देखा कि फराज अरे अब चल खोल के तो देख कितना क्या समझा। मजबा लगता है। कुछ नहीं होगा।
₹50 बहन मुझे दिला क्यों तेरे पास पैसे नहीं है मोर 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 बहन मुझे ये दिला दे क्यों तेरे पास पैसे नहीं है नहीं है मोर मोर दिला गई हो बहन मुझे दिला दे क्यों तेरे पास पैसे नहीं है मोर मोर तो बशर भाई पूरा नहीं उठा पाओ भाई नहीं उठाया मैं पूरा पूरा फाइज उठाई हो मैं भी नहीं उठा पाया उठाओ जो उठाएगा मोए मोए करेंगे अरे इतना मजा आया शॉर्ट चलो फिर चलते हैं बाय 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 कितनी ऑफिशियल प्रमोशन मत किया करो थके हो गए छुरा मेरी हालत हो रही है खराब इतना सर दर्द हो रहा है शदीद दर्द इतना दर्द मैं आपको बयान नहीं कर सकती और मेरी आंखों से आपको दिख ही रहा होगा काफी उन्होंने मुझे टोका कि क्या आपकी कॉफी ले रही है बीपी लो हो रहा है तो इस व्लॉग को हम यहीं पे कर रहे हैं होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज बोला करें ना जो इनकी जानने वाले ना वो तो ज्यादा करें अपना नाम बता दो लोगों को ताकि पता चल जाए ये कौन सी हस्ती है बाय। अब तो इसकी नहीं है बस।